और शिवपुरी जिले के निर्भर विकास खंड में शिक्षा के राह बड़ी मुश्किल भरी है। कठेंगरा शासकीय प्राथमिक विद्यालय भवन को 10 साल पहले लगभग 14 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था, लेकिन विद्यालय आज भी एक अध अच्छी सड़क को तरस रही है। इस सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक 229 बच्चों को शिक्षा दी जाती है। स्कूल आने जाने की सड़क नहीं होने के चलते शिक्षक आज भी बच्चों को स्कूल प्रांगण के एक कमरे में या फिर पंचायत भवन में बिठाकर ही शिक्षा देने को मजबूर है। स्कूल आने जाने के लिए सड़क नहीं होने के चलते छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्कूल के लिए सड़क बनाने के लिए शिक्षकों ने संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को कई दफ़ा आवेदन देकर अवगत करवाया, लेकिन अधिकारियों के संज्ञान में होने के बाद भी स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं बनाया गया है। जगह अपर्याप्त है, तो इसलिए सरपंच से हमने ग्राम पंचायत भवन को चाबी ले ली है, उसी में व्यवस्था करेंगे। मतलब पंचायत कार्यालय में विद्यालय का संचालन कर रहे हैं? जी जी। ओ, नई वाली बिल्डिंग जो बनी है वहाँ पे फिर संचालन अभी हो नहीं पा रहा है? जी सर, उसके लिए रास्ता नहीं है। बिल्डिंग बनवाने के बाद में 12-13 में जो तैयार होगी, 12 में तैयार होगी थी, तो 12 के बाद में श्रीमान बीआरसी महोदय जी ने हमको हैंडओवर दी। जो हमारे शिक्षक थे वो रिटायर हो गए, उनको हैंडओवर दी अजय प्रसाद जी को। तो जब इसके परकोटा नहीं था, बाउंड्री नहीं थी सर, तो हमारे जो शिक्षकगण हैं और छात्रगण हैं वो इधर उधर मेड़ों से आते रहते थे, तो करीब 4 बार हमने इसमें पढ़ाया सर। प्राथमिक विद्यालय कठेंगरा के संबंध में जो मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, उसके संबंध में हमें एक दल बनाकर जांच करा लेते हैं और उसका कुछ न कुछ निराकरण कर